हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोम अली। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विटामिन ई के कुछ बेनिफिट्स जो कि हेयर और स्किन के लिए है और हेल्थ के लिए भी है। पर हेल्थ के लिए यानी कि उसे इंटेक करना पड़ेगा और एवरी मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट के बाद मैं इसे लेती हूं, पर वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। सो मैं अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये लेती हूं एवरी डे और इसका मुझे काफ़ी अच्छा फायदा मिला है। तो बाय द वे, आते हैं अभी स्किन और हेयर पे। तो एक्चुअली विटामिन ई में है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि हेयर और स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स है, आप सबको पता है। तो वो विटामिन ई में कई मात्रा में मतलब हाई वैल्यू में पाया जाता है। तो इसे अगर हम रेगुलर के हमारे लाइफ में जो सब चीज़ें यूज़ करते हैं उसके साथ अगर मिक्स करके यूज़ करें ना तो होम रेमेडी के तौर पे तो कितना हेल्पफुल होगा अपने हेयर और स्किन के लिए अब कुछ आइडिया भी नहीं है। तो इस तरह से मैं जबकि यूज़ करती हूँ, मुझे जबकि इसका रिजल्ट मिला है तो मुझे लगा ये सारे टिप्स आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए अभी देर ना करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लेडीज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो है हेयर लॉस का। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हेयर रीग्रोथ नहीं होता क्योंकि स्कैल्प पे इन्फेक्शन और स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है आज की बिजी लाइफ में। तो आप एक काम कर सकते हैं, प्योर कोकोनट ऑयल, उसके साथ साथ आप ले लीजिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसके साथ विटामिन ई ऑयल। तो यहाँ पे जो विटामिन ई कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इवन 600 या पे आप 400 भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। तो आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से इसे यूज़ कीजिएगा। मेरा जो हेयर लेंथ है उस हिसाब से 2 कैप्सूल काफ़ी है। तो इस तरह से जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसे यूज़ करके आप अगर वीक में 3 से 4 दिन हेयर पे स्कैल्प पे इसे अच्छे से मसाज कर पाएंगे ना एकदम हेयर एंड तक, बीच में यूज़ ना करें तब भी चलेगा पर स्कैल्प एंड हेयर एंड में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके हेयर लॉस को तो प्रिवेंट करेगा ही, उसके साथ साथ हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करेगा, हेयर को शाइनी बनाएगा। और जबकि मैंने आपको बोला है कि हेयर एंड तक इसे यूज़ कीजिएगा, इसका मतलब ये हेयर के जो स्प्लिट एंड है उसे भी प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से विटामिन ई को आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं, जो हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो मैं प्रेफर करूँगी कि प्योर कोकोनट ऑयल उसके साथ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट आपको मैं बोलना चाहूँगी स्किन के लिए। तो स्किन के लिए मैं क्यों बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले आपने इस चैनल में मेरे 2-3 वीडियो तो देखा ही था कि हम स्किन मसाज कर रहे हैं कि एवरीडे ऑयल मसाज स्किन पे, ये एंटी एजिंग है और स्किन को बहुत ही यूथफुल रखता है, फाइनलाइन रिंकल्स हमें बचाता है। तो जब हमें ऑयल मसाज करना ही है तो वो ऑयल क्यों ना हम ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और ऑलिव ऑयल जब यूज़ करेंगे उसके साथ क्यों ना हम एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर दें, यानी कि उसका ऑयल ऐड कर दें। तो विटामिन ई जब भी आपके स्किन पे आएगा ना तो स्किन के जो भी फाइन लाइंस है उसे आपको बहुत मदद मिलेगा। ये फाइन लाइंस को रिमूव करता है, ये रिंकल्स को रिमूव करता है, इवन ये आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट ग्लोई और यूथफुल रखने में मदद करते हैं। वैसे तो मसाजिंग है ही बहुत हेल्पफुल, पर उसके साथ अगर एक विटामिन ई ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपको डबल तेज़ी से इसका रिजल्ट मिलेगा। आई होप जितना ये मेरे लिए काम किया है उतना ये आपके लिए भी काम करेगा। हम जब शैम्पू करते हैं तो शैम्पू में भी हम लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग ब्रांड्स के हम यूज़ करते हैं। तो चाहे आप जो भी ब्रांड यूज़ करें पर शैम्पू जब आप यूज़ करेंगे अपने हाथ में लेंगे तो उस टाइम में अगर 1 या 2 विटामिन ई कैप्सूल यानी कि आपके हेयर लेंथ के हिसाब से अगर उसके साथ मिक्स कर लेंगे उसके बाद अगर आप शैम्पू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा शैम्पू का। तो जब हम शैम्पू करते हैं ना तो इमिडिएटली उसे हम धो देते हैं पानी से, तो क्यों ना शैम्पू करने के बाद कुछ टाइम तक को अपने स्कैल्प पे रखा जाए तो जाके इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ जब विटामिन ई ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपके स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और आपके हेयर को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं हमेशा हमें ये पता नहीं होता कि शैम्पू में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है, हम हमेशा इसे नहीं पढ़ते। तो अगर विटामिन ई आपके शैम्पू में रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो विटामिन ई कैप्सूल से आप उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे मोटे रेगुलर के जो काम है ना उसके साथ विटामिन ई ऑयल को ऐड कर आपको फर्स्ट और भी बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो
जैसे कि हेयर को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बिल्कुल उसी तरह से हम आईब्रोज और आईलैशेस को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए शायद आजकल आईब्रोज और आईलैशेस हम फेक यूज़ करते हैं। फेक यानी कि हम उसे मतलब एक्सटर्नल ऐड करते हैं जिसे हम परमानेंट कहते हैं, पर एक्चुअली वो एक महीने से ज़्यादा तो नहीं चलता, पर हाँ कोई कोई खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं, पर वो अगर हमारा ओरिजिनल हो तो कैसा रहेगा। तो इसलिए आईब्रोज में अगर आप देख रहे हो कि आईब्रोज थ्रेडिंग करते हुए आपका दिन ब दिन आईब्रोज डेंसिटी वो कम हो रहा है, आपका आईलैशेस का डेंसिटी कम हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल जो कि सिर्फ ओनली यूज़ करना ठीक नहीं है, हमेशा कोई कैरियर ऑयल के साथ ही उसे यूज़ करना पड़ता है, पर कैस्टर ऑयल के साथ अगर आप विटामिन ई ऑयल को मिक्स करके अपने आईलैशेस और आईब्रोज में अप्लाई करके ओवरनाइट के लिए रहते हो, ज़्यादा नहीं एक महीने एवरीडे ओवरनाइट इस तरह से रहिए, उसके बाद मुझे आप अपना रिजल्ट बताना। ह्यूज रिजल्ट मिलता है और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके आईब्रोज के वो जो पर्टिकुलर कुछ एक पार्ट है वहाँ पे कभी बाल आते ही नहीं है, और वो भी आ जाएगा, बिलीव मी। मैंने ये ट्राई किया है और मेरे कुछ जान पहचान वाले भी उसे ट्राई किया है, इस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जहाँ पे लड़कों की बात है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, जो बियर्ड या मुस्टर्स का उनका प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक बर्ड के थ्रू जो ईयरबड्स आते ना, तो उसके थ्रू इसे अप्लाई करना है, इसी तरह से रहना, फिर देखना ये जो सारे बेबी हेयर्स हैं ना ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा। एंड गाइज, मेरा ये लास्ट टिप आपको जो बताने वाली हूँ वो तो ह्यूज रिजल्ट दिखाते हैं, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, जिन लोगों ने पेशेंस रख के उसे यूज़ किया है बस उन्हीं को ही पता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में बेबी बम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम में धीरे धीरे आपको पता है कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो उस टाइम के लिए और इसे प्री और पोस्ट दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए बस ग्लिसरीन, उसके साथ ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल ही ठीक है, उसके अलावा और कोई ऑयल नहीं, एंड विटामिन ई कैप्सूल। इस बार आपको विटामिन ई जो कैप्सूल है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लाइक 3 से 4 या 4 से 5 आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अगर रेगुलर बेसिस हम दिन में एक बार प्रेगनेंसी के फुल पीरियड इसे पेट में अप्लाई करें, स्पेशली एब्डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे अगर हम अप्लाई करें ना तो आपका स्ट्रेच मार्क्स तो आएगा ही नहीं, इचिंग होता है, जितना आपका पेट इंक्रीज होता है वीक के साथ साथ उतना ही ना ईचिंग होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्किन स्ट्रेच होता है और वो स्ट्रेच मार्क्स भी बाद में रह जाता है, वही होता है मेन कारण कि बेबी होने के बाद मतलब कि डिलीवरी के बाद भी वो जो मार्क्स है वो रह जाता है और जो हमारा स्किन है वो बहुत ही मतलब सगी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप ये रेमिडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पर यहाँ पे एक छोटा सा मैं इसको आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जब ये प्रेगनेंसी की बात है तो आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, पर नॉर्मली डॉक्टर्स मेडिकेटेड कोई क्रीम देते हैं और वही रिलेटेड कोई ऑयल देते हैं, तो वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप वो यूज़ करेंगे कि नहीं, तो आप ऑब्वियसली आप कर सकते हैं जब आपके डॉक्टर देते हैं। तो ये 3 चीज़ों का मिक्सचर कितना हेल्प करता है अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आपको लगता है कि देर हो चुकी है, आपका डिलीवरी के बाद आप देख रहे हो स्टेच मार्क्स आए, तो उस टाइम में भी ये काम करेगा, उस टाइम में भी आप यूज़ कीजिएगा। और उसके अलावा भी यानी कि प्रेगनेंसी के अलावा भी कई सारे बॉडी पार्ट्स में हमारा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जैसे कि ऐसे आर्म पे हो जाता है, किसी किसी के थाइस पे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। तो इस तरह से इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। पर हाँ गाइस, कोई भी नेचुरल रेमेडी ना इतना जल्दी मतलब 2-4 दिन में चुटकियों में काम नहीं करता, तो मुझे लगता है कि अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ मेरे कोई भी होम रेमेडी पे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अदरवाइज 2-4 दिन अगर आपको विजिबल रिजल्ट ना मिले तो उसके बाद ठीक है इसे यूज़ करके क्या होगा, इससे अच्छा है कि कोई प्रोडक्ट ले ले, तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नेचुरल रेमेडी पे आपका बिलीव है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आई होप कि ये सारे टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और इनमें से कुछ टिप्स तो ऐसा है कि मेरे जान पहचान वाले भी यूज़ किए हैं और मैं खुद भी कुछ यूज़ किया है और मुझे इसका पूरा रिजल्ट मिल रहा है लॉन्ग टाइम तक, जबकि आपका एज बहुत ज़्यादा है उसके बाद भी आपका स्किन देख के पता नहीं चलेगा या ऑल ओवर आपको देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका एज इतना ज़्यादा है सच में। तो चलिए आज इस वीडियो को हमें पेन करते तो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर आपसे आते हैं और एक नए रेमेडी के साथ और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।